नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोमेस की इंडिगोस 8 डिवाइस को आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के हमें किस तरह कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइस का इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, इसमें फेस किस तरह रजिस्टर करना है, डिवाइस को नेटवर्क से किस तरह कनेक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे मेनू ऑप्शन में, यहाँ पर यूजर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का सिम्बल है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आईडी नंबर आप डाल लीजिए, यहाँ पर ओके करना है और यहाँ पर आपको नाम एंटर कर सकते हैं और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर फेस, फिंगर, कार्ड और पासवर्ड जो भी आपको रजिस्टर करना है उस पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं फेस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर जो फेस का जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसके अंदर अपना फेस आना चाहिए और यहाँ पर ये हमारा फेस जो है रजिस्टर हो चुका है। अब अगर हमें फिंगर रजिस्टर करना है तो यहाँ फिंगर ऑप्शन में जाएंगे और एक ही फिंगर हमें तीन बार रखना है। तो इस तरह हमारा फेस और फिंगर दोनों रजिस्टर हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेंगे। तो अब इस डिवाइस को हम वाईफाई के थ्रू नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे वापस मेनू ऑप्शन में, यहाँ पर हमें जाना है नेटवर्क में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ETH है और वाईफाई दिया हुआ है। अगर आप लाइन केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ETH में आपको जाना है और यहाँ पर आपको लोकल नेटवर्क का IP डालना है। यहाँ पर हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो यहाँ वाईफाई पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप देखिए अगर यहाँ पर इनेबल नहीं है तो हम इसे इनेबल कर लेंगे। DHCP को भी हम इनेबल रख लेंगे और यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर आपके जो भी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है यहाँ पर आपको शो करेगा। तो जैसे ये मेरा पहला ही वाईफाई नेटवर्क है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई जो है हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इसे बैक करेंगे और यहाँ पर IP एड्रेस जो है वो अपने आप ले लेगा क्योंकि हमने DHCP ऑन रखा है। अब हम यहाँ पर DHCP को डिसेबल कर देंगे और जो IP एड्रेस है इसे हम यहाँ पर मैनुअली एंट्री कर लेंगे। बैक करके यहाँ पर जो क्लाउड आईडी दिख रहा है इसे हम नोट कर लेंगे। ये क्लाउड आईडी हमें सॉफ्टवेयर में एंटर करना होता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या सेटिंग करनी होती है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, उसके लिए हम ओपन कर लेंगे वेबसाइट को smartofficepayroll.com। यहाँ पर हमें आ जाना है डाउनलोड टैब में और यहाँ पर डाउनलोड में, यहाँ से आप डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं डेस्कटॉप को डाउनलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, इसे ओपन कर लेंगे। स्मार्ट ऑफिस जो फोल्डर पर डबल क्लिक कर लेंगे यहाँ पर, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर स्मार्ट ऑफिस फोल्डर है इस पर भी डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सेटअप फाइल पर डबल क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, एवरीवन पे ही क्लिक रखना है और नेक्स्ट कर देना है, वापस नेक्स्ट कर दीजिए। तो इस तरह हमारा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर यस पे क्लिक कर दीजिए। क्लोज कर देंगे तो इस तरह हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और इसका शॉर्टकट जो है आपको डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका शॉर्टकट आ चुका है, इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम डेटाबेस सेटिंग में क्लिक कर लेंगे। फाइल पाथ में यहाँ पर हम ब्राउज करेंगे, यहाँ पर सी ड्राइव में, यहाँ पर सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल 86 में आ जाएंगे। यहाँ पर स्मार्ट ऑफिस का फोल्डर होगा, उसे ओपन कर लेंगे, इसे भी ओपन कर लीजिए। यहाँ पर हमें स्मार्ट ऑफिस की एक MDB फाइल मिलेगी, ये वाली फाइल है स्मार्ट ऑफिस, इसे हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन, कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली, ओके, सेव कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन नेम जो है वो स्मॉल लेटर में बायोमैक्स और पासवर्ड भी स्मॉल लेटर में बायोमैक्स। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे सिलेक्ट बायोमेट्रिक डिवाइस टाइप में। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है इंडिगो फेस का ऑप्शन। फिर हम आ जाएंगे डिवाइसेस में। अब यहाँ पर हमें एक डिवाइस ऐड करना होगा, यहाँ पर नीचे ऐड न्यू का बटन दिया है, इस पर क्लिक कर लीजिए।
डिवाइस नेम डाल देंगे यहाँ पर, शॉर्ट नेम यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है आपको। तो जो हमने डिवाइस में क्लाउड आईडी देखा था वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। आईपी एड्रेस जो हमने डिवाइस को दिया हुआ है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे, और यहाँ पर जो कॉम की है उसे हम जीरो कर देंगे। अब टेस्ट कनेक्शन कर लेंगे यहाँ पर, डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ओके सेव कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर हम डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे और डाउनलोड लॉक पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह हमारा डिवाइस जो है कनेक्ट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे आने वाली ऐसी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।